16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपने जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ है, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल, उसमें डालकर ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल, में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, तब माता जगत जननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ कर। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ कुंदकेश्वर का नाम। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में, किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर करो, पर साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटेगा सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अपने नौकरी के लिए, प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक
आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा। परंतु वो दिक्कत ही हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वा दी। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, निब्बू साग, साग मतलब सब्जी, बेर कांटे धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल जो सब्जी तुम्हारे यहां आती है वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन, यहां तक शिव को वो तक चढ़ती है, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कर रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमड़े का बोला जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा आदि बनता है उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा, कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, उन्हें भगवान ब्राह्मण देवता के जिमा उन्हें भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफ़ेद कलर का होता है ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े ना कुमड़ा, हमने उसका मना करा, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं दी। अब जो वो बड़ा वाला हुई नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार, आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, वो देखा तो वो पर वो कुमड़ा नहीं। शिव को जो चढ़ाना है, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है, सबसे सरल, जो मिल जाए शंकर जी को समर्पित कर दो, जो मिल जाए। कड़प भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा ला कर दे देता था, ब्राह्मण आता झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक तान टूट गई शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कड़प भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, निवेदन है बिल्कुल नहीं। धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद कपट ना। कपट का भाव साहब। अरे महाराज जी लो, हम तुमको 2000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं, तुम गुरुजी से मिलवा दोगे क्या हमको? हम 5000 दे रहे हैं, क्या भगवान का दर्शन करा दोगे क्या हमको? हम 25000 दे रहे हैं, क्या भगवान मिल जाएगा क्या हमको? भगवान तो मिल जाएगा पर भाव मिल पाएगा नहीं। धन से कभी भगवान। महाराज भगवान प्राप्त जरूर हो जाएगा, सम्मुख आ भी जाएगा, पर उसका जो भाव है उसका जो मन है वो हमें प्राप्त नहीं हो, वो मिल नहीं पाए। महाराज जब तक
भगवान शंकर की नजर में रहते हो तब तक संसार सागर की लहर में उछलते रहते हो, शिव की नजर से जब दूर गए तो तब लहर कम हो जाए मालूम नहीं पड़ पाता। कब लहर कम हो जाए? भगवान से कहना, भगवान तेरी लहर और तेरी महर हम पर सदा बनाकर रखना, सदा बनाकर रखना। तेरी लहर भी बनी रहे जब तक मैं आपसे जुड़ी रहूं, मेरी लहर चारों तरफ चलती रहे। साहब वो तो भगवान की भगत है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबी रहे, वो तो स्मरण करती रहे, वो तो शिव महापुराण की कथा एक नहीं छोड़े, वो अगर टीवी पे नहीं सुने तो मोबाइल में सुने, पर रात के सुने पर सुने, मतलब तुम्हारी लहर चारों तरफ। और लहर चारों तरफ कब होती है? जब भोलेनाथ जी की मेहर होती है तभी तो लहर है। शंकर की मेहर होगी तो लहर चारों तरफ हो। बस उससे कहना लहर और मेहर बरकरार रखना प्रभु, बस तेरी कृपा तेरी दया। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। तेरी महर है हम पर, इसलिए हमारी लहर, हम शिव के बने दुनिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शिव की स्तुति कह रही है। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद डालकर, गंगा जल डालकर शंकर की आराधना करें। शिव कभी नहीं कहता कि मुझे यह पदार्थ देना, शंकर कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप मुझे ये देना। शंकर तो ये कहते हैं कि तेरे पास जो हो वो मुझे समर्पित कर, किसी से मांग कर नहीं। इससे पहले जो शिव महापुराण की कथा करी थी उसमें कहा था कि मंदिर में जाने के बाद में, भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद, भगवान की चौखट पर पहुंचने के बाद में पड़ोसन से मत कहना कि मुझे 10 रुपये दे दे, मैं चढ़ा दूं भगवान को, तुझे घर चल के दे दूंगी। नहीं पर्स के अंदर नहीं है तुम्हारे पास में, मत चढ़ा। कौन ने कहा कि पैसे चढ़ाओ? कोई बोला तुमको कि चढ़ाना जरूरी है? आज एक माता जी का छोटा सा लाल वाला पर्स घूम गया था, इतना बड़ा, 2-4 जगह ना जाने बैठी होगी भी यहीं कहीं, सब दूर घूमी आई, मारा पर्स ले गया, उसका छोरा भी होगा साथ में या कोई ना कोई होगा, वो भी ढूंढे। अब वो पर्स कार्यकर्ता को मिल गया, कार्यकर्ता ने भैया जी को दे दिया। माइक पे अनाउंसमेंट करवाते, उससे पहले वो ढूंढती ढूंढती, मारा परस। रोती जाए, मैं घर कैसे जाऊंगी। अब इनके पास पहुंची तो इन्हें पूछा, पर्स में क्या क्या है बताओ जल्दी से। चाबी रखी है, उसमें एक रुद्राक्ष का मन का धरा है और मारा पैसा धरा है। ठीक है, पर्स खोल के देखा तो उसमें वही सामान था। भैया जी ने उनको दिया, वो जित्तो से बोले एक ही बात के, मारा तो टिकट का भी पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी। शंकर जी के लगा ये पूरा मोहल्ला हिला दे कि दादा ही के यहां से भेजो, ई का टिकट नहीं हुआ तो ये हमारा टिकट कटवा देगी यहां से ऊपर।
ईगो पर्स वापस कर दो। ढूंढ ढूंढा के उसका पर्स मिला। भगवान मारा टिकट का पैसा ही गया। भगवान प्रसन्न, कितना मन लग गया, टिकट का पैसा आया, मन लग गया कि अब मैं जा सकती हूँ। उसी तरह भगवान के नाम रूपी रत्न आया, शंकर जी के नाम का धन तुम्हारे पास आया। जैसे उसके पास पैसा आया तो वो टिकट का आया, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी टिकट से कम नहीं है, उस परमात्मा तक पहुँचने, उसके दरवाजे तक पहुँचने के लिए ये टिकट से कम नहीं है। भजन करिए, नाम स्मरण करो, आपका कोई काम अटका नहीं हो रहा, आप जल चढ़ाओ, शंकर से प्रार्थना करो, निवेदन करो, पर विश्वास रखकर करना। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो श्री वल्लभन चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान मिलेगा, भरोसा नहीं होगा तो भगवान भी नहीं मिलने वाला। अगर विश्वास है मानो तो मैं गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है तो परमात्मा, नहीं तो कई लोग आ जाए और मन में सोचे कि साहब हम तो इतनी दूर से आए नहीं, यहाँ तो शंकर जी तो कहीं बैठा दिख ही नहीं रहा ना, कुबेरेश्वर महाराज तो हम दर्शन करने आए थे। तो पहले ही जो जिन जिनको हम नहीं मालूम उनको भी हाथ जोड़ के कह दूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर दूँ कि अभी यहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर नहीं बैठा है, मंदिर बन रहा है, भूमि तैयार हो रही है, गौशाला बन रही है, वृद्धाश्रम बन रहा है, सब काम चल रहा है। तुम सोचो कि हम तो आया नहीं तो हमको तो पानी यहाँ मिलना चाहिए था, नहीं हम तो गए ने भोजन माँ करया, ने दादा भोजन माँ रखा, ने पानी माँ रखा, तो ये तो सब बाबा की मर्जी है, बाबा ने बुलाया है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भाव से श्रवण कर रहे हैं तो ये शंकर ही करुणा कर कर लेकर आया है, और देना उसकी मर्जी। यहां से जाने के बाद वो क्या देगा तुमको ये वो ही जान सकता। ये तो कुबेरेश्वर धाम भगवान शंकर की गोद है, दादाजी की गोद में बैठोगे तो या तो मोबाइल लेके उठोगे, या पेन लेके उठोगे, या 5 का नोट लेके उठोगे, या टॉफी लेके उठोगे। जो यहाँ बैठ गया वो भी कुछ ना कुछ लेके तो उठता ही है, ये पक्का है, ये साधारण नहीं भूमि। जिस भाव से आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जिस भाव से आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। बस भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। विदल उत्पल इन दोनों ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा था, कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव एक निवेदन आप सब से, मान लो डॉक्टर कह दे कि केस बिगड़ा हुआ है, गर्भ में जो बच्चा है वो नाल में उलझा हुआ है। बिगड़ा हुआ कैसे? नहीं सवर रहा, सुधर ही नहीं पा रहा, और लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। तो फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुरंत एक लोटा में पानी भरो कलश में, और बाबा कुछ मत करो, बस कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा कर आ जाओ, उसके भरोसे पर छोड़ दो। अब उलझाना कि सुलझाना तू जान, ये तेरे ऊपर। इतने साल के बाद किसी की यहाँ औलाद दे दी, संतान दे दी, तो वो नगाड़ा बजाने आ गया। तुम बाबा पर विश्वास कर अगर एक लोटा पानी भी शिव को समर्पित करते हो तो क्यों ना देगा।
बस किस नाम को किस जगह पर बोलना है, किस नाम का स्मरण कहां करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए, ये आपके ऊपर। पहले स्नान करोगे, बोलो सही है, स्नान करके कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद इत्र लगाया। अब कहीं कहीं का ऐसा उल्टा चले कि कपड़ा पहनने के पहले ही इत्र लगा ले और फिर मैं तो कपड़ा पहनूंगा, तो ये उल्टा चले तो बात दूसरी है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय पर जिस जिस समय पर भगवान शंकर के जिस नाम का स्मरण करना है, मैं उस नाम को पुकार। अभी इस कथा के बाद में शिव शक्ति जो कथा प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नवरात्रे में, पहला दिन की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर बाकी के पूरे 8 दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक हो। बस केवल 7 तारीख वाली कथा 1 से 4 होगी, बाकी के सब कथा 2 से 5 होगी। तो उस समय पर हमें माता रानी की जब हम कथा सुने, शिव शक्ति कथा सुने, माता रानी की जब हम कथा श्रवण करें, 51 शक्ति पीठ की जब हम कथा श्रवण करें, तो हमें उस समय पर कॉपी लेकर बैठना है कि माता रानी के किस प्रयोग से हम माता रानी को किस तरह से प्रसन्न कर किस फल को प्राप्त कर सकते। हम उपास करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम साधना करते हैं, पर भगवान कैसे, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं पहनेगी तो तुझे क्या जगदम्बा मिल जाएगी, नहीं तुम तो बोलो तो सरी, अगर तुम चप्पल नहीं पहनो और कहेंगे मेरे को मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं भगवान मुझे मिलेगा, मैंने नवरात्रि में चप्पल छोड़ रखी है, तो तुमने चप्पल छोड़ रखी है तो वो बकरी से तो पूछो उसने कब चप्पल पहनी थी, गाय से पूछो उसने कब चप्पल पहनी, कुत्ता से पूछो उसने चप्पल कब पहनी, बोलो तो सरी। तो नवरात्रि में जो बिना चप्पल के रह के नहीं रहे तो उसे जगदम्बा मिली, अरे बोलो जम के मिली नहीं मिली, तो चप्पल से कोई फर्क पड़े, चलो ठीक है। अब बोले कि मैं तो खाना छोड़ दूंगी, देवी जी नहीं मिलेगी जब तक, तो मैं नवरात्रि में कहीं नहीं खाऊंगी, तो देवी जी बोली तू खाना खा पर किसी का प्राण मत खा नौ दिन, सही है कि गलत है। अब 9 दिन तू खाएगी तो सर ही नहीं, और मालूम पड़े ना जाने कितनों का प्राण खाएगी, तो उससे देवी जी मिले क्या, बोलते जाओ जरा दमदारी से, नहीं मिले। अब सोचे कि मैं 9 दिन सज धज के जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, मैं तो गरबा खेलने जाऊंगी, ना देवी जी मिल जाएगी मारे, आधी रात के देवी जी मिल जाएगी, और जो तू सज धज के चली, जो सज धज के चली और सज धज के चलने पर मालूम पड़े पीछे से कुत्ता पीछे पड़ जा रहा है। अब कुत्ता को थोड़ी ना मालूम कि तू गरबा से ही रही, तू तो बढ़िया लगा के यहाँ से नीली, यहाँ से कत्थी, और कुत्ता के ने पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के चली, 2 घंटा तक धागा से ना जाने कहीं कहीं करती फिरी, और उसके बाद मुंडा मुंडी पोत पुता के ने आँख माँख भर के और जोरदार चमकदार कपड़ा मपड़ा पहन के, और तू निकल के जी रही थी और पीछे से पड़का कुत्ता। अब तू बोले सटाप सटाप करे, सुन अब कुत्ता के तो बोलना पड़े हट, अब कुत्ता से बोले कि डोंट टच, अब कुत्ता इंग्लिश और कुत्ता के सामने कर प्लीज 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 तेरे हाथ जोड़ू प्लीज, कुत्ता बोले प्लीज प्लीज मत कर, हट हट बोल, प्लीज से कहीं नहीं आओ, अब समझे कुत्ता, बोले उस भगवान को पाने के लिए ना हमको कपड़े बदलना है, फिर वही वाली बात आ गई, भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलना पड़ेगा। मैं खाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं 9 दिन तक ये करूंगी, मैं 9 दिन तक वो करूंगी, निवेदन है
शुगर और बीपी ऊंचा नीचा करने से अच्छा है, हॉस्पिटल में जाके बीमार होने से अच्छा है तुम तो खाओ, पर भगवान का दिल से गुणगान गाओ। भगवान कभी मना नहीं करता तुमको कि तुम व्रत करो कि उपवास करो। भगवान तो कहता है उपवास करना है तो उस चीज का कर कि मैं 9 दिन तक किसी से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को गाली नहीं दूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं 9 दिन तक व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगी। व्रत करे तो ऐसा कर, मैं 9 दिन तक आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को भी दिल नहीं दुखाऊंगी किसी का, तो व्रत। अब मालूम पड़े मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, जब ही पहनूंगी जब मुझे 250 की दिल आएगा। भगवान के दिन दे तू तो तेरी स्लीपर पहन ले दादा, चल नहीं पहन। भगवान चप्पल से या भगवान अन्य चीजों से, ये तो आपका मन है कि आप छोड़ देते हैं कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं कपड़ा ये धारण नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर। भगवान कभी कपड़े से प्रसन्न नहीं हुआ, कभी भगवान कपड़े से प्रसन्न नहीं हुआ। अगर भगवान कपड़े से प्रसन्न हुआ होता तो लंका के राजा रावण ने संत का चोला पहना था, प्रसन्न हुआ नहीं। कपड़े से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो तुम्हारा निर्मल मन सो मोही मोही छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं अगर कुछ छोड़ना है तो तुम्हारा अहंकार छोड़ दो, काम छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, वासना छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो, तुम्हारा मोह छोड़ दो, ये छूटेगा। अभी भी घर से आई होगी ना, सारी व्यवस्था करके आई होगी, दूध फ्रिज में धर दो, सब व्यवस्था करके छोरा के बुला के कह दिया मैं जय रही सियोर कथा सुनने कुबेरेश्वर धाम, घरे रीजे कहीं का आए तो देखते रीजे, दुल्हन से केक आई शाम तक ही जूंगी तो चिंता मत कर जे, आती आती नुक्ती पूड़ी बांध लूंगी। अरे तू चिंता मत कर जे, तू तो बस तू कथा सुन लीजे, बाकी का सब तू टेंशन मत। कथा मैं जाऊं, सारी व्यवस्था कर कर आए, सब व्यवस्था तुमने आने से पहले करी, बस निवेदन इतना सा है सारी व्यवस्था तुम कहीं जाते हो तो पूरी व्यवस्था घर पर करने के बाद जाते हो, उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए जाना तो एक व्यवस्था अच्छी कर कर जाना, भगवान का भजन कर कर जाना, नाम स्मरण कर कर जाना, उससे मिलना है मुझे, उस परमात्मा से मिलने जा रही हूँ, ना जाने कब से तड़प रही थी कुबेरेश्वर धाम जाना है, कितनी बार सोचा, सबसे कहा तुम जाओ तुम्हारे ले चलना, तुम जाओ तुम्हारे ले चलना, तुम जाओ तुम्हारे ले चलना, सबसे कहा, पर जिस दिन ये लगन शंकर से लगी और तुमने फिर किसी से नहीं किया, शंकर से कहा 5 मिनट में तैयार हो गई, गाड़ी में बैठी और चली गई, देरी नहीं लगी, गाड़ी में बैठी, ये लिखा कांगो पत्र, ये किसी ने लिखा है, ये हेमा महेश्वरी ने लिखा है, मेरा हेमा महेश्वरी बैठी है क्या कहीं, अच्छा उधर है, अब माइक कैसे दूं थारे, फिर भी दो रे दो प्रयास तो करो, इनंग से चढ़ी जा, आज जय हो जाए, हाँ दे जरा वहां से चढ़ो ने महाराज का सिंहासन से, नहीं सिंहासन से पहुंच जाएगा, महाराज का सिंहासन से चढ़ी जाओ ना, सोफा पे पाँव धरिल लो, हाँ झुकी जा बेटा थोड़ा सा झुक जा रे, हाँ दे जरा माइक दे, ले पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो, अरे ले जल्दी से, हाँ दे जोरदार ताली बजाओ, आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण मक्खन की मटकी तोड़ने चढ़े। हाँ जी जी, इसमें लिखा है आपने बहुत सारी चीज, हाँ बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हो गुरु जी, आपके चरणों में नमन जी, शिव पुराण कथा को नमन, मैं बहुत
बता नहीं सकती हूँ, बस मैं यहाँ तक कैसे आ गई हूँ। 15 मिनट में तैयार हुई हूँ, बाबा ऐसा डोर डाल के खींच के लाया है मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बस मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मेरा ऐसा काम करा है बाबा ने जिस काम के लिए मैं 3-4 साल से परेशान थी। आपने लिखा है 3-4 साल से जिस काम के लिए परेशान थी, मेरे बाबा ने मेरा काम कर दिया और मैं 15 मिनट में तैयार होके आ गई। बिल्कुल बाबा, मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन और बेटे को लेके आई हूँ। जय हो, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, फेंकना मत ही हो आइडिया है। बहुत जोरदार, फेंकना का इसलिए मना करा है, 2-4 का माथा बड़ी दे। राम जी, 15 मिनट में तैयार हो गई ने छोरा ने बहन ने सब की ली, और देखो भगवान की कृपा क्या क्या लिखा उसने कि बस भी मारे ऐसी मिली, बस वाले से कहना ही नहीं पड़ा, मैं तो जैसे ही बैठी ने रोड पे छोड़ा। अच्छा उसको कैसे मालूम था कि यहीं आएगी, क्योंकि हड़बड़ाहट में दिखी होगी ना, तो समझ गई वहीं जा रही है कुबेरेश्वर धाम, इसके सिवा बस यहीं आया। नमन करता हूँ आप लोगों के विश्वास को, भगवान आपकी मुराद पूरी करे। जो मन में आया है मेरा कुबेर भंडारी इत्ता दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतने भंडार भर दे कि एक बार शिव महापुराण की कथा आप सब भी कराएं, ये विश्वास है मुझे, देगा वो, उसके देने में कमी नहीं, देगा पक्का देगा। बस विश्वास रखना, डिगना नहीं, डोलना नहीं। दुनिया के लोग तुम्हें डोलाएंगे, कहाँ चक्कर में पड़ी हो, कहाँ कुबेरेश्वर माँ मंदिर में भगवान ही नहीं है, जबरदस्ती का लोग बावरा ही जा रहा है, पागल हो जा रहा है, बस शिवपुराण में धरा क्या है, लोग समझ में नहीं आ रहा। कह देना तुम तो खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग, मैं तो मन नहीं लगे, बस भगवान की कथा नहीं आई नहीं जब तक। अब आधे से ज़्यादा लोगों को तो टेंशन हो गया कि आज समापन हो जाएगी, फिर नवरात्र में आएगी, बीच के 7 दिन क्या करेंगे। तो ये आस्था चैनल वालों ने बड़ी कृपा कर दी, अब की बार इनने कह दिया जो कथा ये चली है 7 दिन शिव महापुराण की, ये अरिहंत चैनल पर, टाटा स्काई पर भी आता है, एयरटेल पर भी आता है, अरिहंत चैनल पर, टाटा स्काई पर 1067 चैनल नंबर, एयरटेल पर है 687, और डिक्स टीवी पर 1107 पर, ये अरिहंत चैनल पर दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक कल से यही कथा वापिस चालू हो जाएगी। मन नहीं लगे नहीं तो वापिस में देखना चाहिए, भगवान की कथा का रस स्वादन करते रहो, चित्त नहीं लगे, मेरा मन नहीं लगे, मन। और फिर नवरात्रि आ जाएंगे, वही आस्था चैनल पर फिर कथा चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक, दूसरे दिन से 2 से 5। किसी ने पूछा गुरुजी तुम भर दोपहरी में कथा रखो सोना का टाइम, ये कथा अगर रात के धर दो तो, हमने कहा दोपहरी में इसलिए लगते हैं क्योंकि बचपन सुबह, जवानी दोपहरी, अधेड़ी शाम, बुढ़ापा रात। कथा दोपहरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जवानी है, और जवानी में सुधर गए ना पाँव, इसी समय पे लड़खड़ा है, नींद भी इसी समय आए, उंगेरी भी इसी समय आए, बस इस समय पे समर गए। ये समय अगर तुम्हारा समर गया, जब जवानी का समय आवे, व्यक्ति लड़खड़ाने से बच गया, ताली थाली और प्याली से बच गया, समझ लेना बुढ़ापा तक सवर गया। ये समय संवारना है, हमारा समय सवर गया, फिर नहीं कहीं जाना, अपने तो सवरा हुआ। महाराज कुंदुक प्रहार करा, कुंदकेश्वर शिवजी का नाम पड़ गया, कुंदकेश्वर नाम पड़ा भगवान शंकर। समय आया, देवता राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शंकर को दिया है। शंकर भगवान जब विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती जी ने पूछ लिया,
सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है और तुमको विष मिल रहा है और तुम विष पीने को तैयार हो गए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बात इतनी सी है, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। जिसने दुनिया के इस जहर को पी लिया, दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, ताने पर ताने सुनाए जाएंगे। जिसने इस विष को पी लिया वो महादेव से कम नहीं है, दुनिया में पूज्य हो जाएगा। बस ये विष पीने वाला चाहिए। आज के जमाने में लोग विष पीना नहीं चाहते, विष पिलाना चाहते। विष पिलाना चाहते। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया है जी। पहले के समय में लोग घर में बैठकर भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज के समय में लोग घर के बाहर जाकर भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं तो भी मन नहीं लग पाता, चित्तवृत्ति नहीं लग पाती, बहुत कठिन है। पार्वती जी ने कहा, आप विष पी हो गए? शिव जी बोले, हाँ। तो ये देवताओं ने विष नहीं पिया? नहीं। शंकर भगवान बोले, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं कैलाश पर बैठा हूं, ऊंचा बैठा हूं, अच्छी जगह पर बैठा हूं, इसलिए विष मेरे लिए भेजा गया। तो देवताओं को विष पीना चाहिए ना? भगवान बोले, ये नहीं पी सकते, हर किसी के बस में है क्या विष पीना? बहुत कठिन है मानव, समुद्र से निकला हुआ ये हलाहल विष कोई साधारण नहीं था मानव, इसको पचाना कोई साधारण नहीं था। भगवान कह रहे हैं, ये विष मुझे पीना पड़ेगा। पार्वती कह, नहीं आप मत पियो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तो कैसी बात करती है, विष मुझे पीना है, मेरे ये बच्चे ना पिए, मुझे पीना पड़ेगा। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसीलिए उसको अलमारी पे रखते हैं। देवताओं को भी ये दवाई मिली तो इनने ऊंची रख दी कैलाश पे, कोई का हाथ नहीं पहुंचे, एक के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। पर कहीं का मेरा दर्शन करने आया, यहाँ से भांग धतूरा तोड़ के ले गया और नीचे जाके बोले, शंकर जी की बूटी है, खूब शिवरात्रि पे ने सावन का महीना में घोट घोट के पी रहे और मेरा नाम लेते जा रहे। होता है दुनिया के लोग भगवान के वो होते ना चिलम लगाने वाले, जो चिलम लगा के कहते ले शंकर जी को नाम ले लगा। तो शंकर जी ने किया था कि लगा? शंकर जी ने तो करा था चिलम मत लगा, मन लगा। दम लगाएगा तो नरक जाएगा, मन लगाएगा तो तर जाएगा, शंकर कह रहा है। तो दम के चक्कर में पड़ा है, मन नहीं लगा पा रहा। जिस दिन तूने मन लगाया उस दिन शिव का करुणा सागर शुरू हो जाए। उस शंकर को पाने का सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, विश्वास जगाती है, भरोसा, विश्वास जागृत करती है। विष पिया भगवान ने, देवता अमृत ले गए, अमृत ले गए, बाटा पिया उन्होंने, धारण किया। समय आया, आगे जो वर्णन आया है भगवान शिव का पावन चरित्र कहता है। महाराज भगवान आनंद के साथ विराजमान थे, तभी भगवान शिव गजासुर को मारना और गजासुर को मारने के बाद गजासुर की जो चर्म थी, खाल थी, उसको अपने तन पर धारण कर, अपने शरीर पर धारण कर। एक सुशिष्मती नारी
जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्त्रोत करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देव अधिदेव महादेव बनाते हैं, पर सुचिष्मती नारी जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुचिष्मती तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है, आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है, कारण क्या है? सुचिष्मती नारी का संबोधन, हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुचिष्मती नारी के संबोधन ही गीता, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुचिष्मती नारी के मुख से जो निकला वो गीता का संबोधन ही समझ लो, कि भगवान शंकर को सुचिष्मती कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आप मेरे बेटे बन जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो, पुत्र बनाने का कारण क्या है? सुचिष्मती कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है, उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँख का तारा है, ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की अपेक्षा मुझ में लगाते, दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में, दशरथ बाबा ने अंत बिगड़ा। मारा छोरा बीएड कर रहा, मारा छोरा कॉलेज पढ़ रहा, मारा छोरा सीए की पढ़ाई कर रहा, मारा छोरा डॉक्टर बन रहा, मारा छोरा इंजीनियर बन रहा, बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि मारा, वो तो जब मालूम पड़ेगा। फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे, थारा घर का बहु बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। अब पड़े सो, मारा छोरा मारा छोरा मारा छोरा, भगवान करे ये चक्कर मत पड़ो। पकड़ के हाथ जो तेरा, कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरी भजलो हरी भजलो, हरी भजने का मौका है, कौन साथ देगा? थोड़ा दूर तक परिवार कुटुंब कबीला सब शमशान तक साथ दे देंगे सब, उसके बाद तो केवल कोई देने वाला नहीं, केवल अकेला कौन जाए? बस साथ में क्या जाएगा, जो तुमने भजन करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, बस वही साथ।
इसके सिवाय क्या? वो कहते ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। बस एक अकेलापन सम्मुख में होगा, जो तुमने दान पुण्य संकीर्तन सत्संग स्मरण करा होगा वो तुम्हारे साथ में चलता जाए, चलता जाए। उसके सिवाय कुछ रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी करना पड़ेगा। अंत बिंदु में सब छोड़कर जाना है। सुचिष्मती नारी से भगवान शिव कह रहे हैं, तुझे पुत्र मुझे बना रहे, क्यों बना रहे बेटा? आसक्ति को खत्म कर देता है। एक समय आता है जब आसक्तियां समाप्त हो जाती, जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। कौन सा बच्चा? जम के बोलो जरा। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। अब के पैदा हुआ बच्चा क्या ज्ञान देगा? ये जन्म लिया बच्चा, छोटा सा बच्चा, 2 महीना 4 महीना का 6 महीना का, ये माता को क्या ज्ञान देगा? ये तो बोलना नहीं जाने, क्या ज्ञान देता? जन्म लिया बच्चा भी ज्ञान देता है। छोटा सा छोरा के लेके चली इंदौर से आ रही थी सीहोर, गाड़ी रोकी, रुको, क्यों? ये मुझे थोड़ी सुख करा दो, रुको जरा। और बैठी छोरा के, छोटा सा बच्चा के, छोटे से बच्चे के, क्यों ले सू कर ले, तू तो कर ले, जा कर ले, करेगा? जम के तो बोलो नहीं कर। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको आवाज आई, आई कि नहीं आई? बस जैसे ही स्वर मुंह से निकला, लिख रहे, अब जो तुरंत स्वर निकला उन्हें करी कि नहीं करी? अरे बोले तो सरी, करी ना। छोटा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे मुख से स्वर निकला तो मैंने भी जैसा तू स्वर निकाली वैसी मैंने भी करा, और करने के बाद में माँ ने उसको गोदी में लिया, हृदय से लगा लिया। बस परमात्मा भी कहता है तू स्वर तो निकाल, एक बार दिल से पुकार तो सही। छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे बोलने पर वो छोटा सा बच्चा भी सू कर देता है, तो तेरे बोलने पर क्या वो संसार का मालिक नहीं आ सकता? स्वर निकलना चाहिए, भीतर से संबोधन निकलना चाहिए। क्या समझे वो छोरा? सुचिष्मती नारी ज्ञान दे रही है। सुचिष्मती नारी शंकर भगवान से करी, आप मेरे पुत्र बनकर आओ। एक छोटा बच्चा जो ज्ञान दे सकता वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टें बोल ना, टें। दादी बोली, टें क्या हो रे? नहीं तू बस एक बार ऐसे मुंह से बोल दे टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूं, बल पहले बता काय के लिए बोलवा। नहीं दादी तू टें तो बोल। नहीं बोलूं, नहीं बोलूं। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना। बता मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है? दादी आधी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी, टें खिलवा रहा है। छोटा सा बच्चा भी ज्ञान दे जाता है, छोटा सा बच्चा। तुम मत बोलना एक बार बिट्टे, तुम्हें बोलने का जरूरत। सुचिष्मती नारी कर रही है, मुझे मुझे छोटा बालक चाहिए, छोटा सा जो मुझे ज्ञान प्रदान कर दे। देवहूति माता के यहां स्वयं कपिल देव जी महाराज ज्ञान देते थे। मां ने कहा मैं बूढ़ी हो गई,
यह बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता है। काय का सुख, हाथ थर थर कांपे बुढ़ापा में। कपिल देव जी महाराज के अच्छा है हाथ कांपे जब राम राम जपे तो मन का भी जल्दी जल्दी टपकी जावे। राम राम राम, एक की जगह दो गिरे, दो की जगह चार गिरे तो भगवान मिले कि नहीं। बुढ़ापा बेकार होता है, पांव काम नहीं करे, चलता नहीं बने। कपिल देव महाराज ने कहा मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता। बुढ़ापा कहता है कि बहुत चल ली, अब कहीं मत जा, सारे तीर्थ बहुत घूम ली, अब घर को तीर्थ बना ले, घर में रहकर राम नाम गा ले, कृष्ण नाम शिव नाम घर में बैठकर गा। बुढ़ापे में आंख से दिखे नहीं मां, इससे बढ़कर सुकून नहीं होगा, संसार बहुत देख लिया, भीतर की आंख से परमात्मा को देख ले। बुढ़ापे में सुनाई नहीं दे मां, चिंता मत कर, जमाने की बहुत सुन लिया, अपने मन की सुन ले, परमात्मा की भक्ति सुन ले। बुढ़ापा में मारे पूरा की पूरा सोफा सेट निकल गया, कहीं स्वाद नहीं आए मां, बहुत संसार का स्वाद ले लिया, अब एक स्वाद रह गया है, कौन सा? भगवान के भजन का स्वाद। देखा जाए शिव महापुराण का स्वाद लोगों को मालूम नहीं था, ईमानदारी की बात तो ये है। शिव महापुराण का स्वाद क्या है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। इनने रामायण का तो स्वाद लिया, इनने भागवत का तो स्वाद लिया, इनने देवी भागवत का स्वाद लिया, इनने सारी गीता जी का स्वाद, सारी पुराणों का स्वाद लिया, पर शिव महापुराण का स्वाद क्या होता था ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। पर शिव महापुराण का स्वाद जब दुनिया के लोगों को मिला तो पूरा विश्व हिल गया, सारे विश्व में बस शंकर ही शंकर नजर आ रहा है। शिव महापुराण का जो स्वाद लगा है छूट नहीं पा रहा, जो स्वाद लगा वो छूटे ना, ऐसा स्वाद। अब तो जहां जाओ वहीं पे एक ही बात निकले, कहीं कठा सी और वाला महाराज बच गया है, शिव पुराण चली रही है। अच्छा फूल वाले के यहाँ सामान लेने जाओ तो फूल वाला के दे, क्यों बस सियोर वाले ने कहीं बोल दिया कहीं। किराना वाले के यहाँ कमलगट्टा लोंग लेने चले जाओ तो वही कह दे, क्यों सीवर वाला महाराज कहीं बोल दिया शिव पुराण में, तो लेने आई नागर मोता नहीं, हिल लेने आई ना भोल लेने आई, समझ जाए। कपड़ा वाला क्या चले जाओ तो वो पहचान जाए, पान वाले क्या चले जाओ तो तुरंत पहचान जाए शिव पुराण सुन रही हो, मिट्टी लेने चले जाओ तो ही कह दे सफेद लेने आई है शिव पुराण में, मतलब पहचान में आ जाए तुरंत। वो तो किसी किसी की छाप रे, तुरंत पहचान में आ जाइए की भैरू सिंह की लुगाई, ओ, तुरंत पहचान में आ जाए की तो की शंकर जी की, और की एक ही की है शिव की है जी। जब जाए किराना की दुकान, फूल की दुकान, कपड़ा की दुकान, बेलपत्री तोड़ने जाए तो मोहल्ला वाला समझ जाए, जरूर कुछ बताया होगा। शाम के थाली लेके जाए तो लोग समझ जाए पशुपति व्रत कर रही होगी, छह दिया लाएगी, मीठा का प्रसाद लाएगी, ने दो लड्डू तो इनंग धरेगी नहीं, एक अकेली खाएगी, तुरंत पहचान जाए शिव की। क्यों डरे? बस शंकर की, शिव 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 शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं लिखे, बस अब तो कुछ भाई भी नहीं, अब कुछ नहीं भाई, कुछ भाई तो केवल शिव। श्रीमती नारी के घर में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव ने उसी समय पर सुंदर आनंद से पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम गृहपति हुआ। शंकर जी का एक नाम गृहपति हुआ, क्या नाम है? गृहपति। जम के बोलो एक बार, क्या नाम है? ग्रहपति। शिव जी का एक नाम है ग्रहपति। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या
पति पत्नी में, परिवार में, सास बहु आदि आदि में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की सात भाग ले लो, मतलब बेलपत्री सात ले लीजिए, सात बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफ़ेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है एक पांव नीचे की ओर जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है, कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो सात गुच्छ हैं, सात जो बेलपत्री के भाग हैं, सात बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है महाराज। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्र भाग होता है सबसे आगे का भाग, सातों में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव कर, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय वो कच्चा था। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे, तो मेरा निवेदन है कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है सीधी सीधी, बंद कर कर सात बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापिस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना, सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है ये भाग कटी भाग कहलाता है, इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना है महाराज, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापिस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं।
तलाक तक बात चल भी रही हो तो वो तलाक समाप्त हो जाता, प्रेम करुणा आसक्ति स्नेह बढ़ जाता, संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी, दीन बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे, अब यह डोरी मैंने तुमको दे दी है, अब यह संबंध आपको निभाना है, अब यह संबंध मेरा। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना, शंभू मेरी पतंग ऊंची राख, नाव चले मझधार मां पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी नैया पार लगा। हम नहीं कह गया जी, और डायरेक्ट बद्री विशाल चलेगा और ब्रह्म का पाली करिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कर लो, तुम्हारे घर में वो लकड़ी की निशेनी है? अरे बोला तो सरी है, वो का छह पाया निकाल के धर ले और फिर यहां से ऊपर चढ़ के बता। पहले गया फिर बद्रीनाथ की ब्रह्म कपाली, शास्त्र कह रहा गरुण पुराण स्कंद पुराण, डायरेक्ट छोड़ गया होगा तो फिर वो जाएगा, कहीं नहीं गया घर पे ही है, ओके ऐसे नहीं जाऊं, माल टाल खरवाया नहीं और छोड़िए माँ बद्री विशाल नहीं गया। ऐसा बहुत झंझट है साहब, ढेर सारा लोग झंझट में पड़ा हुआ है बहुत, कोई के सनात मैं गया जी करके आ जाओ, इसके बाद बामन के भोजन ही मत कराओ, सीधी छुट्टी, हम तो छोड़ आया, हम तो छोड़ के आया। तो किसी ने पूछा तुम छोड़ के तो आयो, मना नहीं है, पर जब 16 श्राद्ध आता है 16 दिन हमारे पितरों को मृत्यु लोक में भेजा जाता है, तुम तो छोड़ आए, तुम्हारी शादी किसी गार्डन से हुई, बोलो ईमानदारी की बात, अब गार्डन से हुई तो तुम 50 बार गार्डन के सामने से निकलोगा तो तुमको याद आएगी कि नहीं आएगी, बोल ईमानदारी से बोलना। मेरी शादी धर्मशाला से हुई थी, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरी कॉलोनी बन गई, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरा कुछ बन गया, भले वो गार्डन की जगह दूसरी चीज बन गई, पर याद तो है नहीं तुम्हें कि यही आफत आई थी मारे, ध्यान में तो है कि इसी गार्डन में मेरी शादी हुई थी, यही धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मेरा ब्याह हुआ था, ध्यान में है कि नहीं? जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो धर्मशाला याद आएगी, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो गार्डन याद आएगा, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो नजर आएगा कि यहां मेरा विवाह हुआ था, यहां मेरी शादी हुई थी। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते हैं, कुछ पाने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे दरवाजे, ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए, शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, मंथन करना जब प्रारंभ करते हैं
उस समय पर सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गौ माता। कारण, गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन में जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, और उस कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन को रोक सकता है। थोड़ा सा कच्चा दूध मतलब तपाया ना हो, आवाज बढ़ा लो, रिटर्न, थोड़ा सा कच्चा दूध और अपन अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं या दूध का गिलास देते हैं तो वो पका हुआ नहीं रहता, वो कच्चा दूध है। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ कच्चा। शिवजी को जो दूध चढ़ाए वो कच्चा। कहीं पूजन में अगर प्रयोग लिया जाए तो कच्चा, पका हुआ का वर्णन नहीं है कि पका हुआ दूध होना चाहिए। यहाँ तो कच्चे दूध का वर्णन है कि कच्चा दूध, वहां कच्चा दूध चढ़ाया जाता। किस लिए? कारण क्या है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शिव के शिवलिंग के भीतर सारे लोक, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृ लोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज। शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज, शिवलिंग के भीतर सारे के सारे लोग वहां पर विराजमान है। ठीक है, अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया तो केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया तो वो दूध सारे लोकों में होता पितृ लोक में भी गया और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने। उस दूध ने एक व्यक्ति अगर सत्संग में लग जाता है, एक व्यक्ति भगवान के कीर्तन में लग जाता है, एक व्यक्ति भगवत स्मरण में लग जाता है तो ये पक्का है कि वो एक पीढ़ी नहीं, सात पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। अगर एक भी सत्संग में लग गया तो, एक भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म में लग गया तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर तुम्हारा अच्छा समय चले उस समय पर सारे अच्छे अच्छे काम करते चलो। सारे अच्छे काम अच्छे समय में कर लेना, क्योंकि बुरा समय में तो बुरा ही काम होना है। जब तुम्हारा अच्छा समय चले, जब भोलेनाथ जी तुम्हारा हाथ पकड़ ले और शंकर भगवान हाथ पकड़ ले तुम्हारा, और हाथ पकड़ने के बाद भोलेनाथ जी कह दे अब घबराना मती, मैंने तेरे लिए अच्छा समय लिख दिया है, तेरी घड़ी सुधार दी है, चिंता मत करना, तुझे अच्छा समय दे रहा हूं। पर भगवान कहते हैं अच्छा समय मिले तो अच्छा काम करना, पर दुनिया के लोग अच्छे समय में अच्छा काम करते हैं क्या? जम के तो बोलो नहीं। जैसे ही अच्छा समय चालू हुआ कि ताली थाली और प्याली चालू, जैसे ही अच्छा समय चालू हुआ वैसे ही बस उसके दोस्त बन गए। अच्छा समय आया तो दोस्त बनेंगे, पैसा आया दोस्ती दोस्ती इकट्ठे हो गए, फिर ले गए वो होटल में, चल अरे इतना कमा रहा है काई छाती पे बांधेगा, चल होटल में चल दिया। फिर अरे
कौन देख रिया है, ले ले ले। नी नी नी, मारी अम्मा देख लेगी। नी नी, अरे तो अम्मा के यहां कहीं बैठी है, ले दे। ताली मतलब प्रशंसा करने वालों ने ले जाकर होटल में बिठा दिया। होटल में बिठाकर थाली वालों ने खिला दिया, प्याली वालों ने उसको चस्का लगा दिया। अब ताली, थाली और प्याली इन तीनों ने देख लिया कि अब इसको आदत लग गई, मतलब अब ये छूटेगी नहीं, और छूटेगी नहीं तो इसका जितना अच्छा समय है, अच्छा धन है, वो सब हम लूटते रहेंगे। अच्छे समय में अच्छा काम करो। बुरा समय आएगा तो बुरा ही काम होगा, अच्छा होगा क्या? नहीं। अब अच्छा समय एक और अंदाजा लगा कर रखना, बचपन कितना जोरदार अच्छा है कि नहीं, जवानी कितनी अच्छी, अधेड़ी कितनी अच्छी, और बुढ़ापा बेकार। बुढ़ापा काय का अच्छा? इधर घोड़ा दुखे ने, घुटना दुखे ने, कमर दुखे ने, पीठ दुखे, कहीं कहीं की के मारा ये दुखे, तो कहीं मारा ये दुखे ने, कहीं मारा ये दुखे। बुढ़ापा है। अब बचपन तुमने भगवान में लगाया, अच्छा काम करना था नहीं बचपन में? जवानी अच्छी दी थी तो अच्छा काम करना था, अधेड़ी अच्छी दी थी अच्छा काम करना था, पर लगाया कहां, कहां लगा? नहीं लगा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन भी गवा दिया, जवानी भी गवा दी, अधेड़ी भी गवा दी, आया बुढ़ापा और बुढ़ापा भी गवा रहे हो। क्या मतलब का गवा रहे? ईमानदारी से बोलो, पोलियो की दवाई तुम्हें 70 साल में पिलाएं कि बचपन में पिलाएं? नहीं, तुम तो 70 साल में पीना, डॉक्टर से कह देना जब तुम 6 महीना का रहे हो, बोले हवाई लगा लगा कर चले, भोंगा बजाए, भोपू बजाए, हवाई लगा लगा के जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निशुल्क, बोलो जम के आगे पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, इसलिए पोलियो की दवाई पिलवाओ। अब जैसे वो पोलियो वाला चिल्लाए, ऐसे ही यहाँ सियोर वाला महाराज चिल्लाए कि जो पैदा ही नहीं हुआ उससे लेके जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी, पोलियो की दवाई नहीं पियोगे हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो भीतर से विकलांग हो जाओगे, अहंकार काम लोभ वासना आसक्ति तृष्णा विकलांग कर दे। अब कोई तुम्हें पोलियो की दवाई पिला 70 साल में, कई करोगे पी क्या? अरे बोलो तो सर, क्या करोगे? कब पीना चाहिए? अरे जम के तो बोलो, बचपन में। मीराबाई ने दवाई पी ली बचपन में, नामदेव जी ने पी ली, कर्माबाई ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद ने, जो दवाई पी बचपन में तो बुढ़ापा तक विकलांग नहीं हुआ। तुमसे भी निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा अगर दिल से पी ली तो अंतिम समय तक विकलांग नहीं हो पाओगे। प्रेशर नहीं आ रहा, विकलांग नहीं हो पाओगे अंतिम समय, अंतिम बिंदु तक विकलांग नहीं हो पाओगे। और विकलांगता का भाव वो शरीर का नहीं, विकलांगता का भाव अपने मन का है, मन से विकलांग नहीं होगा।